दोस्तों बिग बॉस 18 आ रहा है और सभी को इसका बेसब्री से इंतजार है। तो भाई श्रीदेवी की हूबहू कौन है आ रही है जो बिग बॉस में, जो सलमान खान के शो में लेगी एंट्री, अक्षर पे भी लगा चुकी है ये बहुत ही गंभीर आरोप। दोस्तों सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 18 का फैंस ना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब मेकर्स ने शो का प्रोमो वीडियो शेयर कर दिया है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया है। तो प्रोमो के साथ ही प्रीमियर की डेट भी अब रिवील कर दी गई है। आपको बता दें कि अब फैंस को ज्यादा इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि बिग बॉस 18 6 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। प्रोमो में सलमान खान यूनिक स्टाइल में शो की थीम अनाउंस करते दिखाई दिए, वहीं वीएफएक्स देखकर फैंस भी शॉक्ड रह गए और बहुत सारे अब कमेंट आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो वहीं बिग बॉस 18 का प्रोमो आने के बाद शो में आने वाले कंटेस्टेंट की लिस्ट भी रिवील हो गई है। शो में आने वाले कुल 18 कंटेस्टेंट के नाम सामने आए हैं। इनमें से एक नाम उस एक्ट्रेस का है जिसे देखने के बाद आपको भी दिव्यांग एक्ट्रेस ना श्रीदेवी की याद जरूर आएगी। हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि शांति प्रिया है। आखिर कौन है ये शांति प्रिया, अगर आप ये भी सोच रहे होंगे। दोस्तों आपको हम ये भी बता दें कि शांति प्रिया 90 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस रह चुकी है। उन्होंने अक्षय कुमार के साथ फिल्म सौगंध से अपना डेब्यू किया था। इसके बाद उन्हें फूल और अंगार, इक्के पे इक्का जैसी कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी देखा गया था। हालांकि बॉलीवुड में आने से पहले शांति प्रिया साउथ का एक बड़ा नाम रह चुकी है थी। उन्होंने तमिल और तेलुगु की कई फिल्मों में काम किया था और काफी ज्यादा नाम भी कमाया था। पर्सनल लाइफ की बात करें तो शांति प्रिया ने साल 1999 में बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ रे से शादी कर ली थी। हालांकि सिर्फ 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ रे का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। सिर्फ 35 साल की उम्र में ही विधवा हो गई थी। एक्ट्रेस ने फिल्म लाइन से दूरी बना ली थी, तभी से लेकर अब तक वो दूरी में ही है। दोस्तों टीवी शो में भी कर चुकी है वो बहुत सारे काम। दोस्तों कई साल तक ना पर्दे से दूर रहने के बाद एक्टर शांति प्रिया ने इंडस्ट्री में वापसी की। उन्हें द्वारकाधीश, भगवान श्री कृष्ण और माता की चौकी समेत कुछ टीवी शो में देखा गया है। इसके अलावा वह साउथ की फिल्मों में भी और शोज में भी सपोर्टिंग किरदार में नजर आ चुकी है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आने वाला है इस बार। तो शांति प्रिया की झलक काफी हद तक ना एक्ट्रेस ना जो श्रीदेवी है ना थी ना उनसे मिलती जुलती है। अब खबर है कि एक्ट्रेस सलमान खान के शो बिग बॉस 18 में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लेने जा रही है। हालांकि उनके नाम की अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई, अभी तो किसी की भी नाम की नहीं हुई है, बस ये लिस्ट चल रही है सोशल मीडिया पे। दोस्तों ये ना अक्षय कुमार पर भी ना एक टाइम पे आरोप लगा चुकी है। हम आपको बता दें कि पिछले साल शांति प्रिया उस वक्त चर्चा में आई थी जब उन्होंने अपने ही को स्टार अक्षय कुमार पर आरोप लगाया था। उनके इस आरोप से इंडस्ट्री में ना हलचल सी मच गई थी और मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो शांति प्रिया ने अक्षय कुमार पर उनके सांवले रंग का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया था। एक्ट्रेस ने कहा था कि फिल्म के सेट पर अक्षय ने पूरी टीम के सामने उनके काले घुटने का मजाक उड़ाया था और माफी तक नहीं मांगी थी। स्किन कलर का मजाक बनने से शांति प्रिया डिप्रेशन में चली गई थी। तो ये सारी बातें उन्होंने 3 सालों बाद रिवील की, पता नहीं क्यों ये लाइमलाइट में। आजकल ना कुछ भी हो सकता है, आजकल ना पब्लिसिटी स्टंट भी होता है, लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी होता है। तो ऐसे ही तो कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट की बिग बॉस को जरूरत होती है जिनका कंट्रोवर्सी से कुछ नाता होता है। तो अक्षय कुमार से कुछ ऐसा था तो फिर उनको ला के ये उनका कैश करवाना चाहते हैं, टीआरपी गेन होगी क्योंकि अक्षय कुमार अभी एक्टिव और सबसे महंगे एक्टर हैं जो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। उनमें से एक है अक्षय कुमार जो कि बहुत ज्यादा अभी फिल्में भी कर रहे हैं, एक्टिव भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं यार अक्षय कुमार की। तो इसी वजह से ये भी चीज हो सकती है। तो यार कंट्रोवर्सी जहां कुछ दिखे और बिग बॉस के मेकर्स वहां ना पहुंचे ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, इसीलिए शांति प्रिया का नाम भी अभी आ रहा है। लेकिन अभी ऑफिशियली तौर पर किसी का नाम नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऑफिशियली तौर पर कोई अनाउंसमेंट ही नहीं हुई है। तो देखने वाली बात होती है कि क्या शांति प्रिया आएगी, क्या शांति प्रिया आने के बाद कुछ और भी खुलासे करेगी बॉलीवुड के, ये तो आने वाले बिग बॉस के सीजन में ही पता चलेगा। लेकिन अगर आएंगी वो तो मजा तो आने वाला है। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दें।